नमस्ते डियर स्टूडेंट वेलकम टू जोश यूट्यूब चैनल सेशन हियर वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस लेट अस हियर वी कंटिन्यू इन दिस द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस जैसे हम सबको पता ही है कि डायबिटीज मेलिटस इज मेनली इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल हम सिंपल फंडामेंटली हम उसको ऐसा बदल सकते हैं तो यहाँ पे जो देखा जाए कि ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट इज मेनली डायरेक्टेड एट द रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमको हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है दिस इज मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट उसके लिए हमारे पास मेनली तीन तरीके की मैनेजमेंट थेरापी दी गई है एक जो बात करें दिस इज द डाइट कंट्रोल थेरापी सेकंड थिंग दिस इज द एक्सरसाइज एंड थर्ड दिस इज द मेडिकेशन ए फोटोग्राफ में भी आप यहां पे देख रहे हैं कि आप अपना डाइट को मेंटेन करते हैं तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाएंगे दूसरी जो चीज है आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आप आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर पाएंगे तीसरी जो थेरापी जो मोस्ट यूजफुल थेरापी है वो आप प्रॉपर मेडिकेशन को यूज करेंगे तो आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की कर पाएंगे तो इसी के साथ लेटेस्ट ईयर वी कंटिन्यू विद द मेडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेडिटस क्योंकि आगे वाली जो थेरापीज है एक तो डाइट की बात करें और एक्सरसाइज की बात करें वो हम विदाउट ड्रग जब भी हम प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं और इनिशियल लेवल का डायबिटीज स्टार्ट होता है उसी के दौरान वी आर टू टाइप ऑफ मैथड्स हम उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करने वाला है तो बट हियर वी डिस्कस डायरेक्टली अबाउट द मेडिकेशन दो आर रिस्पॉन्सिबली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो मेडिकेशंस है दवाइयां है उसको मेनली दो तरीके में डिवाइड किया गया है ट्रीटमेंट के ऑप्शन में एक जो यहाँ पे बात करें तो दिस इज पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस एंड दूसरा जो ऑप्शन है दिस द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग एक जो हम पेरेंट्रल फॉर्म में लेंगे उसके एग्जाम्पल्स है इंसुलिन इंसुलिन एंड एमाइल एमाइलिन एनालॉग और भी एग्जाम्पल हम बात करेंगे आगे दूसरा ओरल डायबिटिक के जो टेबलेट फॉर्म में जो ड्रग आती है उसका जो हम रूटीन में यूज करते हैं ग्लूकोज एब्जॉर्ब इनिबिटर इंसुलिन सेंसिटाइजर्स एंड पेप्टाइडेज इनिबिटर तो ये जो ड्रग्स की कैटेगरी है वो हम ओरली एंटी डायबिटिक में यूज करते हैं एंड ऊपर जो दी गई है दिस पेरेंट वो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं तो आज जो हम बात करेंगे पहले सेक्शन के अंदर वो हम है पेरेंट्रल थेरापी फॉर डायबिटिक पेरेंट्र थेरापिक ऑफ डायबिटिक के अंदर उसकी मेन जो ड्रग्स है वो है इंसुलिन तो आज का सेशन जो है वी डिस्कस अबाउट द इंसुलिन के बारे में तो आखिर में इंसुलिन है क्या जैसे हम सबको पता ही है कि इंसुलिन इज अ हॉर्मोन्स इंसुलिन इन अ प्रोटीनियस नेचर इंसुलिन एक से और वो प्रोटीन का नेचर है जैसे हम सबको ऑलरेडी पता ही है मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैव द इंसुलिन रिसेप्टर हमारी बॉडी के सभी सेल में इंसुलिन रिसेप्टर है विच बाइंड द इंसुलिन विच इज द इन द सर्कुलेशन ये जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो भी इंसुलिन घूम रहा है वो हमारे वो सभी सेल के साथ बाइंडिंग होके वो क्या करेगा हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो एटीपी में जनरेट करेगा एंड जितना एटीपी ज्यादा बनेगा उतना ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम होता रहेगा वो हमारी जनरल मिकैनिज़म में इंसुलिन ऐसे काम करता है यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी दिया गया है ये फोटोग्राफ के अंदर जो हम फूड का यूज़ करते हैं वो फूड का यूज स्टमक में होके इंटेस्टाइन में होके वो सीधा अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाता है और यहाँ पे पेनक्रियाज में से इंसुलिन जनरेट होके वो इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके बॉडी के जो जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर वहाँ पे वो बाइंडिंग होके उसकी एक्शन देता है वो उसकी जनरल मेकेनिज्म की हम बात कर सके मगर डिटेल में हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में ए इंसुलिन की केमिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है जैसे अभी हमने बात की कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीनियस नेचर है प्रोटीन दैट मीन्स को वो कंटेनिंग लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड तो यहाँ पे जो दिया गया है वो एमिनो एसिड की लंबी सी चेन है यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये जो पूरी जो चेन है ये पूरी चेन जो एमिनो एसिड के यहाँ पे आप देखें कि ए यहाँ से अमिनो एसिड स्टार्ट होता है ये पूरी लंबी सी चेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है चेन नंबर ए एंड चेन नंबर बी ए आप ध्यान से यहाँ पे देखना और याद रखना चेन नंबर ए के अंदर आप देखें तो यहां से वन से स्टार्ट होके टोटल ट्वेंटी वन एमिनो एसिड इज तो चेन नंबर वन में कितने एसिड ट्वेंटी वन एमिनो एसिड दूसरा यहाँ पे देखे चेन नंबर टू के अंदर यहाँ से वन से स्टार्ट होके यहाँ एमिनो एसिड तो ए जो है यहाँ पे सिक्सटी फाइव एमिनो एसिड इत तो टोटल यहाँ पे आप देखे तो फाइव प्लस वन इज इकॉल टू सिक्स एंड सिक्स प्लस टू दिस तो टोटल एसिड वी हैव टू द इंसुलिन चेन को कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन चेन के अंदर और इंसुलिन के अंदर टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं तो एटी सिक्स एमिनो एसिड वो एटी सिक्स एमिनो एसिड को दो चेन में डिवाइड किया जाता है चेन ए एंड चेन बी चेन ए के अंदर टोटल 21 अमीनो एमिनो एसिड होते हैं एंड चेन बी के अंदर टोटल 65 फाइव एमिनो एसिड्स होते हैं अभी जो हम इसको केमिस्ट्री को अच्छी तरह से थोड़ा समझे तो ये चेन वन के जो एमिनो एसिड है उसका चेन टू के एमिनो एसिड के साथ यहाँ पे एस एस करके दो बॉन्ड है दैट मीन डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है दैट है दो यहां पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड इज देर दो आर कनेक्टेड विद द ए चेन विथ बी चेन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है अभी यहाँ पे और गौर से देखा जाए तो आप देखें कि चेन ए के सेवन नंबर का एमिनो एसिड जो है चेन ए का सेवन नंबर का एमिनो एसिड एंड चेन बी का सेवन नंबर का एमिनो एसिड ए दोनों के बीच में यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड इज देर और यहाँ पे बात करें तो चेन बी का सॉरी चेन ए का यहाँ पे ट्वेंटी नंबर का एमिनो एसिड और यहां पे चेन ए का यहाँ पे 19 नंबर का एमिनो एसिड के साथ ये दोनों यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड है तो ये यहाँ पे छोटा सा केमिस्ट्री जो दिया गया है इंसुलिन के बारे में अभी हम बात करें आगे तो उसकी मेकेनिजम ऑफ एक्शन क्या है इंसुलिन की तो ए जो है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के राउंड शेप ने दिस इज द इंसुलिन इज दैट जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये जो इंसुलिन जो है वो यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी जो हमने आगे देखा था कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर इज दैट ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है ए इंसुलिन रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है जब भी भी ए इंसुलिन ए रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा ड्यूरिंग दोस टाइम दैट रिसेप्टर आर दैट बिकम एक्टिवेट फॉर्म में ए रिसेप्टर बनेंगे एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन मिकेनिज्म होगा जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन दैट मीनस वो सेल मेम्बर के साथ रिसेप्टर होंगे वो बाइंड हो के साथ यहाँ पे अंदर अलग अलग मिकेनिज्म आएगा सपोज के साइक्लिक एम पी आएगा पोस्टोकाइनेज आएगा कैल्शियम वो सबको एक्टिवेट करने की वाली ये पूरी यहाँ पे चेन है मगर यहाँ पे जस्ट छोटी सी बात की गई है सिग्नल्स ट्रांसडक्शन मेकेनिज्म दैट मीन्स वो बाइंड होने के बाद बीच जो जो होंगे वो एक्टिवेशन हो जाएंगे वो एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड होने के बाद यहां पे क्या होगा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और ग्लूकोज को यूज़ कर कैसे यूज़ किया जाएगा तो ग्लूकोज में से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्लाइकोजन बनाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड्स का सिंथेसिस करवाया जाएगा और प्रोटीन बनेगा ये सभी जितना ज़्यादा सिंथेसिस होगा उतना यहाँ पे ग्लूकोज कम होता जाएगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए रहा ग्लूकोज ए ग्लूकोज जो है वो ग्लू टी फोर वो जो चैनल है उससे अंदर आएगा और जितना ग्लूकोज अंदर आता जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस होंगे ये जितने ज़्यादा सिंथेसिस होंगे उतना यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सनट्रेशन कम होता जाएगा तो जस्ट ए जो चीज़ है वो ये सब किसकी वजह से हो रहा है तो ए हो रहा है इंसुलिन की वजह और यहां पे बात करें उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में इंसुलिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है तो ये जो इंसुलिन है ए इंसुलिन उसका मेन जो एक्शन है वो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है तो उसको कैसे कैसे काम करेगा जो हमने आगे देखा कि ग्लूकोज का जो है ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करवाएगा तो यहाँ पे जो एक बात करें पहली जो एक ग्लूकोज जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में से क्या यहाँ ब्लू लाइन तरफ जाए उसमें जादा से ज्यादा ट्राइ बनेगा ट्राइग्लिसराइड क्या करेगा वो एडिपो टिश्यू जो होगी हमारी वहां टिश्यू में होगा और एडिपोज टिश्यू में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जैसे ऐसे ये पूरी मेकेजम काम करती है दूसरी यहाँ पे बात करें तो एक ग्लूकोज में से ग्लाइकोज बनेगा और ग्लाइकोजन में कहां पे होगा वो लीवर के अंदर एक ग्लाइकोजन स्टोर होता जाएगा यहाँ पे और देखे तो एक क्या है ग्लूकोज में से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा प्रोटीन पे बनेगा मसल्स के अंदर वो स्टोर होता जाएगा तो जिससे कहने का तात्पर्य तो यहाँ पे ऐसा है कि ग्लूकोज में से फैटी एसिड फैटी एसिड में वो टिश्यू के अंदर स्टोर होगा ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होगा और ग्लूकोज में से प्रोटीन प्रोटीन मसल्स के अंदर स्टोर होगा तो ये सब कुछ जो बन रहा है वो यहाँ पे ऐसे बनेगा ए रिवर्स मेकेजम भी होती है जब भी ग्लूकोज कम होता है तो इसमें से ए भी ए भी ग्लूकोज भी बन सकता है तो ब्लू कलर जो है वो पॉजिटिव पौ, डायर की मिस पॉजिटिव मिस के उसमें ग्लूकोज में से एडिपोज टिश्यू बनेगा लिवर में ग्लाइकोजन बनेगा प्रोटीन बनेगा और वाइट जो है वो रिवर्स भी हम यहाँ पे कर सकते मगर यहाँ पे जो हम ग्लूकोज में से क्या क्या बन रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी फार्माकोलॉजिकल में डिटेल में बात करें तो कि शुगर का मेटाबॉलिज्म जो है शुगर का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या स्टिमुलेट द ग्लूकोज अपटेक यूज बाय द सेल ग्लूकोज का अपटेक करेंगे और उसका सेल द्वारा उसका यूज होगा इंक्रीज द ग्लाइकोजन जो है वो सिंथेसिस करवाया जाएगा ग्लाइकोजिनेसिस द्वारा दैट मीनस ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन बनवाया जाएगा इन द मसल्स के अंदर एंड लिवर के अंदर यहां पे ग्लूकोज जो सिंथेसिस हो रहा है लीवर में वो ग्लूकोज का सिंथेसिस कम से कम सिंथेसिस यहाँ पे होगा मीन्स उसकी वजह से ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड शुगर का कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे कम हो जाएगा दूसरी जो यहाँ पे बात करें तो फैटी मेटाबॉलिज्म की फैटी मेटाबॉलिज्म में क्या होगा इंप्रूव द फैटी एसिड सिंथेसिस जो हमने आगे देखा फैटी एसिड का सिंथेसिस करवाया जाएगा एंड आल्सो एक्टिवेट द लाइफ लाइपेज लिपिड एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे एंड डिक्रीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ को डिक्रीज करेंगे ब्रेक डाउन यहाँ पे कम किया जाएगा आगे देखे तो प्रोटीन मेटाबोलिज्म इंप्रूव द एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ होगा इंक्रीज़ सिंथेसिस ऑफ़ डिक्रीज़ ग्लूकोज सिंथेसिस एंड इंक्रीज इन एमिनो एसिड अपटेक इन द मसल्स दैट मीन्स के प्रोटीन का जो सिंथेसिस हुआ वो मसल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा करवाया जाएगा तो ये सब यहाँ पे उसकी एक्शन जो हो रही है आगे बात करें तो स्टिम्युलेट द पोटेशियम एंटरिंग सेल सेल के अंदर पोटेशियम का एंटरिंग करवाएगा डू टू दिस डिक्रीज द पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर कम होगा एंड प्रिवेंट द कीटोन बॉडीज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा एंड एंड टू प्रोड्यूस द कीटोन अपटेक और कीटोन का अपटेक करवाया जाएगा कीटोन जो है वो कॉम्प्लीकेटेड कंडीशन हमारी बॉडी के लिए क्रिएट कर रहा है तो ये यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देंगे लॉन्ग टर्म एक्शन क्या होगी तो इम्प्रूव और इनिबिट द ग्रोथ सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम ए जो लंबे समय तक यहाँ पे दो तरीके की एक्शन है कितने एंजाइम का यहाँ पे सिंथेसिस भी करवाया जाएगा और कितने एंजाइम का यहाँ पे सिंथेसिस कम भी करवाया जा सकता है तो ये इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात हुई